आयुष्मान के घर मिली थी सड़ी गली लाश। कई दिनों से बंद घर से आ रही थी दुर्गंध। पुलिस पहुंची तो फांसी पर लटका मिला नौकर। इस खबर से बॉलीवुड में मच गई थी खलबली। बॉलीवुड के टैलेंटेड एक्टर आयुष्मान खुराना 14 सितंबर को मना रहे हैं अपना 39वां जन्मदिन। इस बार आयुष्मान का बर्थडे बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि उनकी फिल्म ड्रीम गर्ल 2 ने हाल ही में 100 करोड़ क्लब में एंट्री मारी है। गदर 2 की आंधी और पठान 2 की सुनामी के बीच भी आयुष्मान की फिल्म चल निकली और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। आयुष्मान युवाओं में काफी पॉपुलर हैं और लोग उनकी लीक से हटकर फिल्मों को बहुत पसंद करते हैं। चलिए आयुष्मान के बारे में आपको सुनाते हैं एक अनसुना किस्सा। तारीख 3 मार्च 2013। इस तारीख को शायद कभी भूल नहीं पाएंगे आयुष्मान। 10 साल पहले इसी दिन आयुष्मान की जिंदगी में आ गया था भूचाल। वो उस दिन दिल्ली में अपनी एक फिल्म की कर रहे थे शूटिंग, जबकि एक्टर की वाइफ चंडीगढ़ में थी। तभी 3 मार्च 2013 को उन्हें फोन पर खबर मिली कि उनके नौकर ने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। तब एक्टर मुंबई के गोरेगांव के अनमोल टावर में रहा करते थे। आयुष्मान के घर से लगातार दुर्गंध आने के बाद पुलिस को पड़ोसियों ने किया था फोन। जब पुलिस आई और घर का दरवाजा तोड़ा गया तो पुलिस को नौकर की लाश सड़ी गली हालत में पंखे से लटकी मिली थी। पोस्टमार्टम से पता चला था लाश बरामद होने के 3 दिन पहले ही उसने आत्महत्या की थी। आयुष्मान के नौकर रुद्र प्रसाद ने फांसी लगाने के लिए एक्टर की पत्नी ताहिरा के दुपट्टे का इस्तेमाल किया था। एक्टर का नौकर रुद्र प्रसाद 10 सालों से उनके घर में काम कर रहा था और वह नेपाल का रहने वाला था। जब एक्टर का नौकर मरा हुआ पाया गया तो उन पर सवाल उठने लगे थे। पुलिस ने जब इस केस की छानबीन की थी तो पता चला कि आयुष्मान का 26 साल का नौकर डिप्रेशन का शिकार था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि ये केस आत्महत्या का ही है, क्योंकि नौकर के शरीर पर चोट के कोई निशान नहीं थे और ना ही घर में कोई जबरन एंट्री हुई। साथ ही पता चला कि उनकी मौत फंदे पर लटकने और दम घुटने से हुई थी। इस मामले में आयुष्मान पर कोई केस नहीं बना, क्योंकि वो 17 फरवरी से ही मुंबई में नहीं थे। एक्टर अपने नौकर के खुदकुशी से बहुत दुखी थे। 10 सालों से वो नौकर आयुष्मान के साथ मुंबई में रह रहा था। एक्टर के लिए वो परिवार का सदस्य की तरह था। बताया जाता है कि आयुष्मान ने अपने घर में फोन भी किया था, लेकिन जब उसने फोन नहीं उठाया तो उन्हें लगा कि शायद वो बाहर गया होगा। इस घटना से बहुत दुखी हो गए थे आयुष्मान। कुछ दिन बाद एक्टर ने वो फ्लैट छोड़ दिया जहाँ उनके नौकर ने आत्महत्या की थी। 10 साल बाद आयुष्मान की लाइफ काफी बदल चुकी है। वो बॉलीवुड में बड़े स्टार बन चुके हैं और अब 19 करोड़ के घर में रहते हैं। वही उनके घर में अब 2 बच्चे हैं और उनका हंसता खेलता परिवार है। ब्यूरो रिपोर्ट E24।